नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। उज्जैन शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया वार्ड 43 में श्रीमती रश्मि आनंद भदौरिया के कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे। शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया के साथ कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद थे। उद्घाटन के दौरान मीडिया से चर्चा में बताया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषणा की गई, लेकिन घोषणा आज दिनांक तक पूर्ण नहीं हुई। पूरे शहर को टाटा सीवरेज द्वारा खो दिया गया। स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया। उज्जैन शहर की सड़कों को गड्ढे में तब्दील करने में महत्वपूर्ण योगदान भारतीय जनता पार्टी का रहा है। ऐसे कई मुद्दे हैं जो जनता के बीच जाकर उनको भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी से अवगत कराएंगे और जनता एक बार हमें पूरे 54 वार्डों में ऐतिहासिक बहुमत से जीतने का आशीर्वाद प्रदान करेगी। अध्यक्ष जी, बताइए, आज कार्यालय जोन 43 का आपने उद्घाटन किया है, कांग्रेस की क्या मुद्दे हैं जो जनता के बीच में आप जा रहे हैं? सारी स्थानीय मुद्दों पर चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ने जा रही है। आज वार्ड क्रमांक 43 से लक्ष्मी आनंद बाबूरिया जी कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। आज आप देख रहे हैं कि महिलाएं, बच्चे, युवा, बुजुर्गण सभी उनके साथ में हैं। स्थानीय मुद्दों में इतने मुद्दे हैं कि मैं बताऊंगा तो आप कम पड़ जाएंगे। आप देख रहे हैं टाटा की सीवरेज लाइन, जहाँ जहाँ से गली गली से निकलो सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं। 2 दर्जन से अधिक मौतें हो चुकी हैं। छिपरा शुद्धिकरण के नाम पे करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार आज तक छिपरा में लिए हैं। खान डाइवर्शन को योजना जो है करोड़ों रुपए की योजना थी, जिन लोगों ने बोला था भारतीय जनता पार्टी की 15 साल से सरकार है, 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के महापौर है, लेकिन ना तो ये छिपरा का शुद्धिकरण कर पाए। 350 कॉलोनियाँ ऐसी हैं जहाँ पर स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था भी नहीं हुई आज तक। मैं कांग्रेस पार्टी ने एक हमारे युवा महापौर प्रत्याशी महेश परमार को कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में उज्जैन में नगर की सरकार भी बनेगी और हम महापौर भी हजारों मतों से महापौर जीतेंगे। कितनी सीट लाने की घोषणा कर रहे हैं? हम तो 54 सीट पर पूरा दावा करते हैं कि हम तो 54 सीट जीतेंगे।